हमारे अलग अलग धर्म में अलग अलग पवित्र किताबें हैं, जैसे गीता, कुरान और बाइबल, और हर बुक में भगवान के साथ आपको शैतान का भी जिक्र मिल जाएगा। हमारे बदलते मॉडर्न दुनिया में आज भी कुछ आस्तिक जो भगवान में बिलीव करते हैं, और वहीं कुछ नास्तिक जो किसी भगवान को नहीं मानते, और वहीं कुछ ऐसे लोग जो भगवान को ना मान के शैतान में बिलीव करते हैं। और आज मैं एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज से 2 साल पहले मैं भी इस इल्यूमिनाटी शब्द के बारे में नहीं जानता था, और आज भी शायद कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, और कुछ लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा। अब इल्यूमिनाटी का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनाटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इनलाइटमेंट। अगर आप गूगल के ट्रांसलेट बॉक्स में सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको यही दिखाएगा। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो जर्मनी में 1 मई 1776 एडम विस्हॉफ्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, और इनका मोटिव दुनिया पर राज करना था। और कुछ समय के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, और वो अपना हर काम एक गुप्त तरीके से किया करते थे, और वो क्या कर रहे थे उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। स्टार्टिंग में ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, लेकिन जब यह बात वहाँ के रूलर चार्ल्स थियोडोर को पता चली तो उन्होंने उस सोसाइटी पे बैन लगा दिया। उन्हें डर था कि इसके बढ़ने की तादाद से उनका राज्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उस सोसाइटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बंद होने के बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उसके बंद होने के बाद भी माना जाता है कि ये जो सोसाइटी है अभी भी एग्जिस्ट करती है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो इल्यूमिनाटी का मतलब ऐसे लोग जो नेम फेम मनी पाने के लिए अपनी रूह शैतान को बेचते हैं। आपने घोस्ट राइडर मूवी देखी होगी, उसमें इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा। उस शैतान के बारे में अगर बात करें तो उसका नाम है लूसीफर। बाइबल जैसी किताब में भी लूसीफर का जिक्र किया गया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल लूसीफर एक एंजल्स था जो बाद में ईश्वर का विरोध करने पर उसको वहाँ से निकाल दिया गया, और तभी लूसीफर बुराइयों का देवता बन गया, और इसे आज दुनिया द फॉलन एंजल्स के नाम से भी जानती है। बाइबल के अलावा कुरान जैसी किताब में भी इस शैतान का जिक्र है, लेकिन लूसीफर को कुरान में दज्जाल के नाम से जाना जाता है जिसका मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। ऐसा कहा जाता है इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने वाले को बहुत ही कम समय में नेम फेम और सक्सेस मिल जाती है, लेकिन बदले में अपनी रूह को शैतान को बेचना होता है। इल्यूमिनाटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री भी शामिल है, और ये लोग इल्यूमिनाटी को प्रमोट भी करते हैं। जैसे हर कंपनी के ब्रांड का एक लोगो होता है, वैसे ही इल्यूमिनाटी का साइन होता है ये ट्रायंगल जिसमें एक आंख बनी है। ऐसा भी माना जाता है कि इसे प्रमोट करने के लिए हाथ से ट्रायंगल बना के लोग खुद को इल्यूमिनाटी होने का मैसेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग इल्यूमिनाटी का होने का दावा करते हैं। यूट्यूब पर जब आप पॉपी सिंगर का सॉन्ग सर्च करोगे और जब आप उसके सॉन्ग्स को डीपली एनालाइज करोगे तो उसके वीडियोस में ज़्यादा शैतान के साथ वाली वीडियोस मिलेंगी जो शैतान के होने का इनडायरेक्टली मैसेज देती है। जब मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का सोर्स कोड निकाला तो उसका इमेज कुछ ऐसा निकला जो एज इट इज़ इल्यूमिनाटी के साइन का है, और लोग उसे इल्यूमिनाटी के मेम्बर भी मानते हैं। उसकी वीडियोज़ जब आप देखोगे तो बहुत ही अजीबोगरीब और वियर्ड लगेंगी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में शैतान का चर्च भी है जो 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे कुछ लोग लूसीफर को पूजते भी हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि 26 फरवरी 1993 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को पहले ही पता था, और वो इसे $1 बिल के साथ जोड़ते हैं जिसपे इल्यूमिनाटी का साइन भी बना हुआ है। और अगर आप $20 के नोट को ट्रायंगल में फोल्ड करके उसको देखोगे तो उस पर आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 टोटो ही बिल्डिंग दिखेंगी। कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते और उनका मजाक उड़ाते हैं, और वहीं कुछ लोग इसके होने का दावा करते हैं। ये कितना सही है या कितना गलत ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है इल्यूमिनाटी के बारे में? आपने राय जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दोस्त निखिल।